जमात इस्लामी की जानिब से बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ डी चौक पर धरना दिया जा रहा है। इस मौके पर इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज की गई, जिसके तहत जमात इस्लामी के कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। जमात इस्लामी के कारकुनान इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुए तो इस्लामाबाद पुलिस ने जमात इस्लामी के मुतअद्दिद कारकुनान को डी चौक से गिरफ्तार किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत को धरने के रास्ते में रुकावटें डालने से गुरेज करने की नसीहत करते हुए कहा कि छापे गिरफ्तारियां उनका रास्ता नहीं रोक सकते। इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोका गया तो हालात ख़राब होने की जिम्मेदार हुकूमत होगी, जबकि इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन को किसी सूरत रेड जोन में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन अब तक की इत्तला ये हैं कि लियाकत बाग में जो लोग मौजूद थे उन्होंने डी चौक की तरफ पेशकदमी की और दफ़ा 144 को रौनते हुए वो डी चौक में पहुँच गए। अब हाफिज नईमुर रहमान साहब का जो स्टेटमेंट है इस हवाले से वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ये खबरदार कर चुके थे कि अगर रो फिर ये हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल जाएगा। अब इस्लामाबाद पहुंचने से पहले हाफिज नईमुर रहमान साहब की कॉल थी, इस्लामाबाद उनके लोग पहुंचे, भरपूर अंदाज में पहुंचे हैं, लियाकत बाग नहीं रहे, डी चौक में पहुँच गए हैं रुकावटें उबूर करते हुए। अब डी चौक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखेंगे, इस्लामाबाद से आपको दिखाएंगे कि इस वक्त डी चौक में क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले अता तारड़ साहब हाफिज नईमुर रहमान साहब को पैगाम दे रहे हैं कि आपको जो जगह दी गई थी वहाँ पर रहते तो बेहतर होता, अब भी बैठ के बात हो सकती है, हम कमेटी बनाने को तैयार है, तो हुकूमत अब कोई कमेटी बनाने का भी कह रही है। अता तारड़ साहब क्या कहते हैं, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। आए रोज़ कोई ना कोई ग्रुप जो है वो एक सड़क ब्लॉक करता है और फिर पूरी ट्रैफिक जैम कई कई मील तक होती है। तो देखिए, जो परमिशन होती है, जो SOPs तय होते हैं, तो इसीलिए होते हैं कि वो परमिशन ग्रांट की जाती है कि इस जगह की हदूद तक आप जो है वो महदूद रहेंगे। तो ये लियाकत बाग वाला जो मामला तय हुआ था और SOPs तय हुए थे, उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी जो है वो समझ में नहीं आती। तो मैं हाफिज नईम साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत एक मुज़ाकराती टीम जो है वो तश्कील देने को तैयार है, आपके साथ बैठ के इन मामलात पर बातचीत करने को तैयार है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस्लामाबाद में जलसा करना था, लेकिन वो जलसा भी नहीं हो सका, फिर कॉल वापस भी ले ली गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक फैसला महफूज भी हुआ था, अब वो फैसला जस्टिस सुमन रिफत साहिबा का वो सुना भी दिया गया है, वो डिटेल उसकी सामने आ गई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं मिली और ये कहा गया कि 29 जुलाई को हुकूमत अब यह इंतज़ामिया जो है वो फैसला करेगी। इस वक्त डी चौक की क्या सिचुएशन है, वहाँ हमारे रिपोर्टर उस्मान खान मौजूद हैं। और उस्मान बताएगा कि डी चौक में इस वक्त जमात इस्लामी के कितने कारकुनान मौजूद हैं और डी चौक को तो कॉर्डन ऑफ किया गया था, तो क्या दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हुई और आसानी से पुलिस ने इनको डी चौक में पहुँचने दिया? जी बहुत शुक्रिया रेहान। आज जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में जो महंगाई है और बिजली की कीमतें बढ़ रही है इसके खिलाफ एहतजाजी धरने का ऐलान किया था और मरकजी पॉइंट जो था जहाँ पर एहतजाजी धरना दिया जाना था वो डी चौक का मुकाम था, मगर आज सुबह से ही इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया ने डी चौक और शहर इकतदार की जानब आने वाले तमाम तर रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक भी जो है वो मामूल से हट कर चलती रही है, जबकि उसके साथ ही साथ डी चौक में जो कारकुनान पहुँचे थे 25 के करीब जो कारकुनान थे जो इनफरादी तौर पर डी चौक पहुँचे थे उनको इस्लामाबाद पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्तलिफ जो दीगर मुकाम थे जहाँ पर कारकुनान इनफरादी सतह पर पहुँच रहे थे उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जा रही थी। और इस्लामाबाद पुलिस ने जमात इस्लामी को ये वाजह कर दिया था कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है, जिसके बायस इस्लामाबाद की हदूद में किसी किस्म की कोई सरगर्मी जो है वो करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया की हिकमत अमली के बाद अपना जो प्लान है वो भी तश्कील दे दिया और जमात इस्लामी ने 3 मुख्तलिफ मुकाम पर जो है वो पड़ाव डालने का फैसला किया था, जिसमें एक जो इस्लामाबाद का जो दाखिली रास्ता है 26 नंबर चुंगी जिसे कहा जाता है वहाँ पर एहतजाजी धरना दिया गया और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान, नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच और दीगर क़यादत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिले की क़यादत करते हुए 26 नंबर चुंगी पहुँचे, जहाँ आपसे कुछ देर कबल उन्होंने खिताब भी किया और इस्लामाबाद पुलिस और हुकूमत को ख़बरदार किया कि जो उनका धरना है इसको पुरअमन तरीके से आइनी और कानूनी तौर पर जारी रहने दिया जाए, अगर हुकूमत ओछे हथकंडों से बाहर नहीं आएगी तो फिर ये हुकूमत मुखालिफ ये जो धरना है ये महंगाई के खिलाफ है, अगला धरना जो है वो इस हुकूमत के खिलाफ। मुझे बताएं कि जमात इस्लामी के कारकुनान इस वक्त किस मकाम पर मौजूद है इस्लामाबाद के और कितनी बड़ी तादाद है वहां पर और स्ट्रेटेजी क्या है, क्या हिकमत अमली है, बैठेंगे यहाँ पे कितनी देर तक बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, किस मकाम का इंतखाब किया है?
देखिए, तीन मुख्तलिफ मुकामात का इंतखाब किया, जिस तरह मैं बता रहा था कि 26 नंबर चुंगी जहां पर एहतजाजी धरना दिया गया, दूसरा मुकाम जीरो पॉइंट है। अमीर जमात इस्लामी 26 नंबर चुंगी से रवाना है और कुछ ही देर में जीरो पॉइंट पहुंच जाएंगे जहां पर एक बड़ी तादाद कारकुनान की मौजूद है। और जो तीसरा अहम तरीन पॉइंट है वो लियाकत बाग है जहाँ पर इस वक्त कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अमीर जमात इस्लामी जीरो पॉइंट में खिताब के बाद ये बताया जा रहा है कि वो लियाकत बाग पहुँचेंगे, उनके हमराह एक बहुत बड़ा काफिला होगा, लियाकत बाग में वो कारकुनान से खिताब करेंगे और आज रात का पड़ाव जो है वो लियाकत बाग में ही दिए जाने का इम्कान है। अमीर जमात इस्लामी लियाकत बाग में देखिए इजाजत थी, जो एस ओ पीस थे लियाकत बाग के तो थे, उसको ब्रीच अगर करेंगे तो फिर हुकूमत एक्शन करेगी। तो इसका मतलब ये जो कंसेंसस हुआ था हुकूमत के साथ वो लियाकत बाग के अंदर ही बैठेंगे, धरना वहीं होगा। तीन पार्ट्स पे तो अभी हैं लेकिन अल्टीमेटली लियाकत बाग डेस्टिनेशन है, वहाँ पहुँचेंगे सब? तीन मुख्तलिफ मुकामात पर यह धरना दिया जाएगा, एक 26 नंबर, जीरो पॉइंट और लियाकत बाग, क्योंकि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने डी चौक की तरफ आने वाले तमाम तर रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि वो डी चौक पर पहुँचेंगे, यहाँ पर आइनी और कानूनी तौर पर वो धरना देंगे और अपने मुतालबात की मंजूरी तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मगर चूँकि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने तमाम तर रास्तों को बंद कर दिया, जिसके बाद जमात इस्लामी का ये प्लान भी आया था कि तीन मुख्तलिफ मुकामात पर इस्लामाबाद की अहम शाहराहों को बंद किया जाएगा ताकि हुकूमत उनको डी चौक की जानिब आने दें। तो हुकूमत भी भरपूर तैयार है और जमात इस्लामी ने तीन मुख्तलिफ मुकामात पर धरना देने का ऐलान कर दिया और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि अगर काफिले दूसरे शहरों से आएंगे और उनको जहां पर रोकेंगे वहां पर धरना दे दिया जाए। तो इस तरह जो इस्लामाबाद के इतराफ़ के जो अहम तरीन चाह रहे हैं उनको भी बंद करने का जो है वो इम्कान इस वक्त मौजूद है।